subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुहलिक वायरस कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 46 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए, जबकि एक ही दिन में 1644 नए मरीजों की तशखीस हो गई। अपोजिशन के नामवर डाकुओं की तनकीद को एजाज समझना चाहिए, वज़ीर आज़म कहते हैं ये अगर मेरी तारीफ करे तो मैं अपनी तौहीन समझूंगा। सेनेट इंतखाबात के लिए अभी से रेट लगना शुरू हो चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान का ब्रॉडशीट से अब कोई मुआहदा नहीं, शहजाद अकबर कहते हैं एसेट्स रिकवरी यूनिट मेरी सरबराही में काम कर रहा है। आपने घबराना नहीं है, इमरान हुकूमत का एक माह में तीसरी मरतबा पेट्रोलियम कीमत में भारी इजाफे का इम्कान, ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर आला क्लीन क्वालिटी 75% फूड ग्रेड अल्कोहल नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट, लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 905-956-6699 फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, कॉल लॉयर शिखा शारदा 905-956-6699। मुहलिक कोरोना वायरस से मजीद 46 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 11,560 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,41,031 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,644 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,56,404, सिंध में 2,44,340, खैबर पख्तूनख्वा में 66,451, बलूचिस्तान में 18,798, गिलगित बल्तिस्तान में 4,909, इस्लामाबाद में 41,176 जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,953 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 78,48,316 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 43,381 नए टेस्ट किए गए। अब तक 4,96,745 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,133 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 46 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 11,560 हो गई। पंजाब में 4,681, सिंध में 3,969, खैबर पख्तूनख्वा में 1,879, इस्लामाबाद में 476, बलूचिस्तान में 194, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आज़ाद कश्मीर में 259 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि तमाम डाकू मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, करप्शन को रोकने की तरमीम के मुखालिफ कौम के सामने बेनकाब होंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तो ये आपको पता होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि हमें मालूम है कौन सा सियासी लीडर पैसा लगा रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि पैसा लगाकर सेनेटर बनने वाला पैसा नहीं बनाएगा? सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेटिंग के लिए आईनी तरमीम ला रहे हैं, करप्शन को रोकने की तरमीम के खिलाफ कौम के सामने बेनकाब होंगे। साहिवाल में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि ओपोजिशन और हुकूमत मिलकर पार्लियामेंट चलाते हैं। उन्होंने पहले दिन से पार्लियामेंट को NRO मांगने के लिए इस्तेमाल किया। पार्लियामेंट के अंदर अवामी मफाद की जो बहस होना चाहिए थी वो नहीं हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि PDM ने फेल ही होना था, एक भगोड़ा लीडर लंदन में बैठकर इनकलाब लाना चाहता है, ये सब पार्टी को इकट्ठा रखने के लिए हुकूमत जाने की तारीखें देते हैं। मौलाना फजल रहमान करप्ट आदमी है और उनको मौलाना कहना उलमा की तौहीन है। फजल रहमान मदारिस के बच्चों को इस्तेमाल करके अरबपति बने, वो खुद को कानून से बालातर समझते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सबको पता है कि उसामा बिन लादेन ने किसको पैसे दिए थे, अकाउंट्स की स्क्रूटनी हुई तो तहरीक
इंसाफ के अकाउंट्स शफाफ निकलेंगे। हमने इलेक्शन कमीशन में 40,000 अकाउंट्स का डेटा दिया है। चैलेंज करता हूँ, ये जमातें 1,000 अकाउंट्स की तफसीलात भी नहीं दे सकती। वजीर आजम ने कहा कि जिस फोरम पर अपोजिशन के खिलाफ फैसला आए वो उसको नहीं मानते। नैब उनकी करप्शन पकड़ रही है, ये नैब को भी नहीं मानते। माजी में ये जजेस से अपनी मर्जी के फैसले करवाते रहे। नून लीग ने मर्जी का फैसला न आने पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुआवन खसूसी एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि एसेट्स रिकवरी यूनिट ने मजमुई तौर पर 339 अरब 30 करोड़ रुपए की रिकवरी की है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म के मौवन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में एसेट्स रिकवरी यूनिट की तफसीलात पेश करते हुए बताया कि हुकूमत पाकिस्तान का अब ब्रॉडशीट से कोई मुहायदा नहीं है। ब्रॉडशीट से मुतालिक तमाम मुहायदे हमारे दौर से पहले के हैं। शहजाद अकबर का कहना था कि ब्रॉडशीट का मुहायदा साल 2000 में हुआ जो 2003 में मंसूख हुआ। दोबारा राबता 2008 में हुआ जिसमें 1.8 मिलियन और 1.5 मिलियन डॉलर की रकम फराहम की गयी। 2009 में ब्रॉडशीट का पैगाम आया कि अदायगी गलत कंपनी को की गई है और उसके बाद प्रोसीडिंग शुरू हो गई और 2018 में 21.5 अरब डॉलर्स का जुर्माना हुआ। मौवन खसूसी ने यह भी बताया कि हमारे दौर में हाई कोर्ट में अपील दायर हुई, हुकूमत ये केस हार चुकी है। कोई भी नया मुहायदा किसी के साथ नहीं किया गया। हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, किसी को इजाफी रकम फराहम नहीं की गई। मुख्तलिफ फॉरेन एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक का निज़ाम, कोऑर्डिनेशन और काम है, इसी तनाजर में काम हो रहा है। शहजाद अकबर ने यह भी बताया कि ईस्ट रिकवरी यूनिट रिकवरी नहीं करता, तफसीलात देता है और इसमें नैब, FIA और स्टेट बैंक के नुमाइंदे शामिल हैं। गुज़िश्ता 2.5 साल में एसेट्स रिकवरी यूनिट पर 4,70,00,000 अखराजात आए। एसेट्स रिकवरी यूनिट ने मजमुई तौर पर 339 अरब 30 करोड़ की रिकवरी की। एसेट्स यूनिट ने 318 अरब के बैरून मुल्क असासों का सुराग लगाया। एसेट्स रिकवरी यूनिट की मुआवनत से नैब ने 290 अरब, FIA ने 6 अरब 10 करोड़ और FBR ने 6 अरब 20 करोड़ की रिकवरी की। यूनिट की निशानदेही पर बैरून मुल्क 37 अरब के असासे रिकवर हुए। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की नई समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी गई है, जिसमें पेट्रोल 12 रुपये और डीजल 10 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। हुकूमत की जानिब से महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। यकुम फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। इस हवाले से ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की नई समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी है, जिसमें पेट्रोल 12 रुपये और डीजल 10 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। ओगरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समरी 30 रुपये फी लीटर लीवी की बुनियाद पर तैयार की है। इस वक्त फी लीटर पेट्रोल पर लीवी 21.56 रुपये और फी लीटर डीजल पर 23.09 रुपये है। हुकूमत लीवी में इजाफा ना करके मुजवजा इजाफे को बहुत कम सतह पर भी ला सकती है या लीवी में मामूली कमी से पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतों को बरकरार भी रख सकती है। ख्याल रहे कि हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता माह 15-15 रोज़ बाद 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था, जिसके तहत यकुम जनवरी से पेट्रोल की कीमत में 2.31 रुपये और डीजल की कीमत में 1.80 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया था, जबकि 15 जनवरी को पेट्रोल की कीमत में 3.20 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमत में 2.95 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया था। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।